अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, ये है मेरा कोई दो दिन का मिला के व्लॉग, बहुत ही छोटा सा नन्ना मुन्ना सा मैंने व्लॉग बनाया है। और बस असल में घर में गेस्ट आ गए थे तो मैं इतना टाइम नहीं मिल सका कि मैं हर चीज़ को जो है वो कवर करती रिकॉर्ड करती, तो बस जितना भी मुझसे हो सके मैंने बना दिया है। क्योंकि जी यूट्यूब का ये है कि इस पे डेली वीडियो अपलोड करना भी जो है ना वो ज़रूरी होता है, आप बीच में गैप जो है नहीं ले सकते, लेकिन मैं फिर भी जो है एक दिन दो दिन का गैप कर जाती हूँ अक्सर, जब वीडियो ना बनी हो, मेरे पास व्लॉग ना बने। अच्छा जी, घर में कौन आया था? घर में आई थी जी मेरी जेठानी। और हुआ ये है कि वो जो है ना अचानक आई हैं, मुझे बिल्कुल भी उनके आने का पता नहीं था। अच्छा जी, ये फिर दूसरे दिन का व्लॉग जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें जो है वो लंच का टाइम हो चुका था और मैंने अपनी जेठानी से पूछा क्या खाएंगी, उन्होंने दाल चावल की फरमाइश की, तो बस फिर मैंने दाल चावल बना लिए थे और साथ में मैंने ये कबाब जो है बना लिए थे। अच्छा, जब आप व्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना आम नॉर्मल दिनों में, तो जब आप कुछ भी बनाएं तो बस ठीक है, आप बना लेते हैं, निकालते हैं, खाना बना लेते हैं, लेकिन जब आप व्लॉग बना रहे होते हैं ना तो बस फिर आपको हर चीज़ में होता है कि कुछ भी करने से पहले जो है ना मैं कैमरा ऑन कर लूँ। कैमरा ऑन करना जो है ना बड़ा ज़रूरी हो जाता है और अक्सर जगह पे जो है ना मैं भूल भी जाती हूँ कि ये चीज़ करनी थी। अच्छा, कैमरा ऑन करना था, अच्छा मैंने वीडियो बनानी थी, लेकिन वो चीज़ मेरे जहन से बिल्कुल निकल जाती है, स्किप हो जाती है। वही हुआ, दाल जब मैंने बनाई तो बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। खैर, दाल की मेरी काफ़ी सारी रेसिपीज़ पड़ी हैं, आपने देखनी हो तो देख लीजिएगा। अच्छा जी, खीरे वगैरह मैंने काट लिए थे सलाद के लिए ऊपर, और फिर मैंने जो है वो खीरे काट लिए थे रायते में डालने के लिए। अच्छा, इधर जो है ना कबाब मेरे सारे फ्राई होकर बड़े आराम से निकल आए थे, बस ये वाला जो है ना इस पे नियत लगी हुई थी हमारी बिल्ली की, उसके पेट में जाना था, तो मेरा ध्यान था कैमरे की तरफ, तो बस ये कबाब मेरे हाथों से तिलक के जो है ना वो नीचे गिर गए। तो बस ठीक है जी, मैंने कहा चलो तुम भी दावत जो है एंजॉय कर लो, वो कबाब जो है फिर मैंने उठा के बिल्ली को दिया है। अच्छा, इधर मैं चावलों को बस अब दम लगाने वाली थी और इतने में मैंने जो है ये जूस वगैरह डाल के अपनी जेठानी को दिया है। मैंने कहा ठीक है, जब तक चावल वगैरह दम खुलता है, लंच लगने में भी थोड़ा टाइम है, जब तक आप जो है ये जूस जो है इंजॉय करें। और बस बहुत अच्छा दिन गुजरा है, सबके साथ बैठे बातें बातें की और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा दिन जो है गुजरा है, इंजॉय किया है हमने। ऐसा होता है ना अकेले रह रह के भी इंसान बोर हो जाता है, तो फिर जब कोई मेहमान घर में आए तो बहुत अच्छा लगता है। और बस यहाँ दाल भी मेरी बनी हुई थी, रेडी थी, कबाब वगैरह सब मैंने बना लिए थे और मैंने आम काट लिए थे और रायता और सलाद बना लिया था, हम साथ में कोल्ड ड्रिंक थी, बस हल्का फुल्का सही था जो भी बना। घर वालों ने सब ने इंजॉय किया और सबको पसंद आया बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।